रहा है वर्ल्ड कप का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरी भारतीय टीम अब वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड जा चुकी है। अब से 3 दिन बाद वर्ल्ड कप का ये महाकुंभ शुरू भी हो जाएगा। बड़े बड़े 10 देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और वर्ल्ड कप की एक ट्रॉफी जीतने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। भारतीय टीम का सिलेक्शन हुआ, लेकिन कई सारे कयास इस वर्ल्ड कप टीम में लगाए गए कि कौन सा खिलाड़ी सही है कौन सा नहीं। सिलेक्शन को लेकर कई सारे मुद्दे बने। किसी ने अंबाती राइट को ना लेने का मुद्दा बनाया तो किसी ने ऋषभ पंत को ना लेने का मुद्दा बनाया, लेकिन पूरा भारत एकजुट होके युवराज सिंह को इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में खेलते हुए देखना चाहता था। और अब जब वर्ल्ड कप के शुरू में ही पहले अभ्यास मैच में भारत की जो बैटिंग ऑर्डर है न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गई, और देखते ही देखते भारत ने पहला अभ्यास मैच गंवा दिया। मैच में खास बात क्या रही, विजय शंकर का चोटिल होना। उससे पहले केदार जाधव भी वर्ल्ड कप के लिए चोटिल है। ऐसे में 2 बड़े खिलाड़ी वर्ल्ड कप से पहले ही चोटिल हो चुके हैं। हालांकि चोट इतनी गहरी नहीं बताई जा रही है, लेकिन अगर ये यूं ही खेलते रहे तो वर्ल्ड कप में इनको चोट और भी गहरी हो सकती है। वहीं पूरा भारत एकजुट होकर चाहता है कि इनके स्थान पे ऑलराउंडर युवराज सिंह को वर्ल्ड कप की टीम में लिया जाए। आखिर क्यों युवराज सिंह वर्ल्ड कप के लिए सबसे अच्छी पसंद है, इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ, 2007 का वर्ल्ड कप ले लो T20 या फिर 2011 का, हीरो कौन था? युवराज सिंह। 2011 में जो 50-50 वर्ल्ड कप था, युवराज सिंह के आंकड़ों पर नजर डाले तो वो सबसे बेहतरीन थे। युवराज सिंह ने 9 मैचों में 90 की औसत से 362 रन बनाए थे, जो कि वीरेंद्र सहवाग और अन्य गौतम गंभीर के रनों से ही कम थे। हालांकि बैटिंग एवरेज युवराज सिंह के गंभीर और सहवाग से भी ज्यादा थी, और युवराज सिंह ने पूरे टूर्नामेंट में 4 अर्धशतक और 1 शतक ये पारी भी खेली थी। छक्के और चौके लगाने में युवराज का कोई भी दूसरा तोड़ नहीं। अब दूसरी बात करें युवराज सिंह की गेंदबाजी। 2011 के वर्ल्ड कप में यूवी की गेंदबाजी ने भारत को कई मैच जितवाए हैं। जी हां दोस्तों, जहीर खान जो कि स्ट्राइकर बॉलर है, उनके बाद अगर टीम इंडिया से 2011 में सबसे ज्यादा विकेट अगर किसी ने निकाले हैं तो वो युवराज सिंह है। युवराज सिंह ने इस टूर्नामेंट में 2011 टूर्नामेंट में 15 विकेट चटकाए थे, जो कि जहीर खान के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज थे। और युवराज सिंह 2011 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। अन्य सभी खिलाड़ियों से बढ़िया खिलाड़ी का अवार्ड युवराज सिंह को मिला था। बड़े मौकों पर युवराज सिंह हमेशा से ही बढ़िया बल्लेबाज बनकर सामने आते हैं। खासकर इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में युवराज का प्रदर्शन अन्य खिलाड़ियों से बेहतर है। मान सकते हैं कि युवराज की फॉर्म उनके कैंसर होने के बाद थोड़ी सी डामाडोल रही, लेकिन उनका एक्सपीरियंस अभी भी 300 से ज्यादा मैचों का है। युवराज सिंह ने अपने वनडे करियर में काफी मैच खेले हैं और काफी अच्छी एवरेज के साथ बैटिंग की है। कई बार वो टर्निंग पॉइंट रहे हैं, टीम इंडिया को बड़े बड़े मैच जिताए हैं। यही कई कारण है जो पूरा भारत चाहता है कि युवराज सिंह वर्ल्ड कप में खेले, क्योंकि शायद ये आखिरी मौका है कि युवराज को मौका दे दिया जाए, क्योंकि हो सकता है इसके बाद युवराज के लिए टीम में जगह नहीं बचे और युवराज आने वाले समय में अपने संन्यास की घोषणा भी कर दे। हम चाहते हैं युवराज सिंह जैसे बड़े खिलाड़ी को एक अच्छा फेयरवेल मिले, जो कि वर्ल्ड कप से अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। सोचिए, अगर युवराज सिंह वर्ल्ड कप के फाइनल में अपना अंतिम मैच खेले तो भारतीय के लिए कितना अच्छी बात होगी, उनके फैंस कितने खुश होंगे। तो दोस्तों, ये कई कारण है जो हम सभी चाहते हैं कि अगर कोई भी खिलाड़ी अब चोटिल होता है, जो कि संभावना है कि विजय शंकर या फिर केदार, अगर आगे ये चोट गंभीर होती है तो एक नए प्लेयर को उनकी जगह लिया जाएगा। हम सभी चाहेंगे कि युवराज सिंह को लिया जाए। कप्तान कोहली और कोच रवि शास्त्री इस बारे में शायद सोचेंगे जरूर। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि युवराज सिंह 2019 के इस वर्ल्ड कप में होने चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें। और भी ऐसी खबर के लिए सब्सक्राइब करें खेलो खेलो।